मुरादनगर विधानसभा। यहाँ से जो विधायक हैं वो अजीत पाल त्यागी हैं। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं मंच सजा हुआ है, रैली जो आज है वो निकाली गई है। और अभी इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं हाँ, ये हंसराज इंटर कॉलेज है और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मुरादनगर विधानसभा में कितना काम काज हुआ है। अब वहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो खाना पानी है वो बांटा जा रहा है, एकदम भीड़ लग गई है, लोग हाथापाई पर उतर आए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी तक सबने इंतज़ार किया, अब ये रैली जो है वो ख़त्म होने वाली है। पब्लिक की भूख आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर, जी चाय के ना पानी के, सुबह से देखो देखो लोगों की भूख देखो, आप अपने सामने देखो, चाहे टांग टूट जाए या पैर टूट जाए, किसी को खाना नहीं। तो काफी लोग जो आए थे सुबह से भूखे प्यासे थे, अब उनको यहाँ पर पानी और खाना मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। कितना काम काज हुआ है मुरादनगर विधानसभा में? मुरादनगर विधानसभा में देखिए, हमारे माननीय राज्यपाल त्यागी जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इतना काम कराया था अपने कार्यकाल में। हमारे यहाँ कभी कच्ची चेक रोड होती थी और वहाँ कभी नल नहीं होते थे पानी पीने के लिए। किसानों को गेहूं की फसल में अपने गांव जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। उन्होंने एक नल लगवाए कोने कोने पे। आज जो हम झूठ हटा के देखते हैं ना, उसके अंदर उनका बोर्ड लगा मिलता है, इतना काम किया उन्होंने। बुग्गियों के रिंगल जाते थे, इतनी बारिश होती थी यार निकल नहीं पाता था, वहाँ से निकल नहीं पाता था। तो उन्होंने सारी रोड काली कराई, गाँव से गाँव जोड़ने काम किया। आज हमारे रेट उस टाइम जमीनों के रेट थे 80,000 रुपये का, 15,000 रुपये का, आज वहाँ रेट 5,000 रुपये गज के हैं। वो सब राज्यपाल त्यागी जी की देन है। उसके बाद जो कार्यकाल में उनके बाद टाइम बचा वो माननीय अजीत पाल त्यागी ने पूरा किया। वो 2012 में जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, उन्होंने वो सब कार्यकाल पूरा किया अपना। और आज विधायक जी अपना पूरा काम कर रहे हैं आज भी। हमारी विधानसभा को जो चमकाने का काम है, हमारे बड़े भाई माननीय विधायक अजीत पाल त्यागी जी का सबसे बड़ा श्रेय जाता है। हमारी विधानसभा में जितने भी काम हुए आज तक, सबसे ज्यादा अगर किसी ने कार्य करा है तो हमारे बड़े भाई अजीत पाल त्यागी और उनके पिताजी। वो अजीत पाल त्यागी और उनके पिताजी से काफी खुश नजर आ रही है यहाँ पे। इनका कहना है कि हाँ काम काज अच्छा हुआ है। और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर आपको लेकर, जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना बट रहा है, वहाँ हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कब आए हैं, कितने बजे आए हैं, उन्हें खाना क्यों इतनी लेट से दिया जा रहा है, क्या डिप्टी सीएम के कार्यक्रम का इंतजार किया जा रहा था, क्या वजह थी, अभी बातचीत में पता चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लूट मची हुई है। बात चाहे बूढ़े बुजुर्ग की कर ली जाए, चाहे बच्चों की कर ली जाए, यहाँ पर सब टिफिन लेने के लिए जो खाना है वो सब परेशान है। खाने में क्या क्या है? पूरी है, सब्जी है। अच्छा, पूरी सब्जी है। सुबह कितने बजे आए थे? मैं तो अभी आया 1 घंटा पहले। अच्छा, 1 घंटे पहले आए हैं, तो खाना मिल गया? हाँ जी, खाना मिल गया। बड़ी मशक्कत से कि आसानी से मिल गया? आसानी से मिल गया। खाना लेने नहीं गए आप लोग? ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बाकायदा लोग यहाँ पे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपस में। देखिए आप नज़ारा और देख के लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि ये हर रैली में होता है। कहीं भी आप जाएंगे ऐसी तस्वीरें आपको हर जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक अंकल जी हैं जो खाना खा रहे हैं। कैसा है खाना? टेस्टी? बढ़िया खाना है, टेस्टी खाना है। कब आए थे आप? हम सुबह आए थे, सुबह आए थे 10 बजे। काफी भूख प्यास लग गई होगी? हाँ, भूख प्यास का टाइम भी हो रहा है। अब अभी अपना भोजन कर रहे हैं, क्योंकि अब जो रैली है वो खत्म हो गई है और जो पब्लिक है वो उठ के आ रही है। यहाँ पर सब अपना नाश्ता ले रहे हैं और खाना खा के पानी पी के निकल जाएंगे। कार्यक्रम ख़त्म हो गया है, डिप्टी सीएम निकल चुके हैं। मंच पे जितने भी नेता थे और जितने भी यहाँ अगर आप देखेंगे मैदान में जितने भी लोग थे वो सब अपने घरों को अब जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, मुरादनगर।